वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। और जैसे कि मैंने हेयर बोटॉक्स करवाई थी उसके बाद ना कोई DIY हुआ ना कोई ऑयल लगाई, आज मैं बनाऊंगी हेयर बूस्टर प्लस हेयर मास्क विथ दिस। ये है हमारा बेनिफिशियल वाला मेथी दाना, इसे कैसे बनाना है हम आगे जानते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से जो बालों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है विंटर्स में, और जैसे कि विंटर्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं तो हमारे बालों में डैंड्रफ होना, हमारा जो स्कैल्प है वो ड्राई होना और इचिंग देना, ये तो नॉर्मल सी बात है। बट अगर आप फेनुग्रीक को प्रॉपर यूज़ करते हो ना तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये तो आपके डैंड्रफ को तो दूर करेगा, ड्राई स्कैल्प को भी दूर करता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग भी नहीं होंगी। लेकिन जिनके थिन हेयर होते हैं ना, ये उसको ठीक करने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हमें क्या करना है, मैंने इसके 2 स्पून ली हूँ और 1/2 ग्लास पानी में इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करें, वरना ये अगर नीचे की तरफ बैठ जाए तो ये ठीक से भीगता नहीं है, यानी सोख नहीं होता है। बट इसके अलावा एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें ऐड करेंगे और वो है रोजमेरी। ये ना ड्राई लीव से, और मैंने ऑलरेडी इसका एक ऑयल बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब इसी में हम क्या करेंगे, एक इसका स्पून लेंगे और ऐड करेंगे इसको हमारे फेनुग्री सीड्स का जो वाटर है उसमें। मैंने ना एक रिसर्च में पढ़ी थी कि रोजमेरी में इतनी एबिलिटी होती है कि ये एक अकेला ही बालों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को दूर करता है, और इसके अलावा ये बालों की जो थिकनेस होती है ना, ये उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके ना प्रॉपर यूज़ से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करते हो तो। और कहा जाता है कि 3 मंथ्स में अगर आपके बाल चले गए हैं तो ये नए बालों को भी ग्रो करने में हेल्प करता है, लेकिन प्रॉपर 3 मंथ्स का टाइम चाहिए ताकि आपके बाल फिर से रीग्रो हो। बहुत सारे लोगों के बालों में ऐसे टकलापन जैसा दिखता है ना, बट इसको अगर आप यूज़ करोगे प्रॉपरली तो ये आपके बालों को फिर से उगाता है, इतना पावरफुल है। अब इसे हम रख देंगे रात भर के लिए ताकि सारा एक्सट्रैक्ट इस वाटर में आ जाए, बिकॉज हम बना रहे हैं हमारा हेयर बूस्टिंग स्प्रे। सो मैं इसे रख देती हूँ। नाउ यू कैन सी, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने रात भर इसे रखा था। आप देख सकते हो उसके वाटर का जो पानी है उसमें कितने चेंजेस आ गए हैं। इसका सारा एक्सट्रैक्ट उतर के आ चुका है पानी में, रोजमेरी भी काफ़ी अच्छे से सोख हो चुका है। गर्मा लेंगे बिकॉज इसका जो बचा कुछ एक्स्ट्रैक्ट है मैं चाहती हूँ कि और ये पानी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसे हमें गैस पर रखना है। आपको सिर्फ इसे हल्का सा गर्म करना है। आप गैस चालू करें, धीमी आंच पर इसे चलाते रहे, और जैसे आपको लगेगा ना कि ये गर्म होने लगा है वैसे हम इसे उतार देंगे। इसमें से आपको ना धीमी धीमी से खुशबू आएंगी, जैसे रोजमेरी एंड मेथी की आपको फ्रेग्रेंस आएंगी। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे, यानी स्ट्रेन कर लेंगे। तो उसके लिए मैं उसी जार का यूज़ करूँगी और यूज़ करेंगे हम एक छन्नी का। अगर आपके पास क्लोथ है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब इसका जो बचा हुआ है ना, इसे आप फेंकना नहीं,
इसका हम हेयर मास्क बनाएंगे। मेरे पास एक स्प्रे बोतल है जिसे मैंने वॉश करके रखा है, अब हम इसे इसमें डाल लेंगे। तो मैं इसी का यूज करूंगी। ये हमारी सोया ये बोतल भर गई है, अब हमें करेंगे इसे पैक। बचा हुआ हम इसे बाद में डाल देंगे और इसका मास्क बनाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। सोया ये हमारा हेयर टॉनिक एंड हेयर बूस्टर आर रेडी। इसे मैं आपको ट्राई करके दिखा सकती टॉनिक को अपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई करना, स्पेशली आपके स्कैल्प में, नहाने से आधा घंटा पहले। लेकिन अगर आपको सर्दी हो या साइनस की प्रॉब्लम हो तो 10 से 15 मिनट ही इसे रखें, बालों को बांध देना। इसे खुले बालों में आप लगाएं और खुले बालों में इसे छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप आधा घंटा भी इसे रख सकते हो। जितना ज़्यादा टाइम रहेगा आपके स्कैल्प आपके बालों के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो इसे लगाने के बाद अच्छी तरह से बालों का मसाज दे ताकि सब कुछ आपके बालों में अच्छी तरह से लग जाए। ओके, तो ये जो बचा हुआ मेरे पास था, तो जैसे कि मेरी बोतल आधी ख़त्म हो चुकी है तो मैं अपना बचा हुआ भी इसमें ही डाल दूँगी बचा कुचा। तो ये फिर से बोतल भर चुकी है और ये मुझे और दो टाइम चलेगा, बिकॉज हफ्ते में दो बार इसे लगाना है और जब मैं वन टाइम लगाती हूँ तो हाफ बोतल वैसे ही ख़त्म हो जाती है। सोया अब जो हमारे पास बचा हुआ था उसे हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश लीव। ये करी लीव है तो इसमें हम थोड़े से करी लीव डालेंगे। अच्छा, करी लीव के जो बेनिफिट है बालों के लिए बहुत ज़्यादा है। इसमें ना भरपूर मात्रा में होता है विटामिन सी, विटामिन बी, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत कुछ। ये हमारे बालों की जो हेल्थ है उसको प्रमोट करते हैं, बालों को ग्रो करने में, बालों को रिन्यूअल करने में और बूस्ट करने में। अब सिंपली इसमें हम करी लीव ऐड करेंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब ये पेस्ट को हम हमारे बालों में अप्लाई करेंगे। बहुत ही ग्रीनरी आयुर्वेदिक जैसा ये लग रहा है, इसकी फ्रेग्रेंस भी वैसी ही थी और ये काफ़ी अच्छा पैक है। सो मैं फटाफट से लगाना अप्लाई करती हूँ। अप्लाई हो चुका है, अभी आप 30 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद में सबसे पहले नॉर्मल पानी से आप अपने बालों को वॉश करें, सारा मास्क निकालें। उसके बाद में जो भी आपका रूटीन है जैसे कि आपका शैम्पू कंडीशनर, आप वो अप्लाई कर लें और अपने बालों को वॉश कर लें। और जैसे आप वॉश करोगे
यू कैन सी कि आपका फर्स्ट टाइम में ही आपका तो एक हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, दूसरा आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी सॉफ्ट और कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।